नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कोसी स्टडी यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बेसिक जानकारी देने वाले हैं कि बिहार डीएलएड ऑनलाइन फॉर्म आवेदन की तिथि एक बार जो है फिर से विस्तारित कर दी गई है। एक बार तो बढ़ाया ही गया, आज जो है फिर से एक बार विस्तारित कर दी गई है। अब 29 दिसंबर तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और पेमेंट करने का डेट भी जो है बढ़ा दिया गया है, साथ ही साथ करप्शन डेट भी बढ़ा दिया गया है। तो क्या तिथि निर्धारित की गई है, इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहें और जो भी मेरे नए साथी नए भाई बंधु हैं निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए इस तरह के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप fastjobsearch.com के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं न्यू अपडेट में बिहार डीएलएड एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2020-22, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, हम यहाँ पर नेट ऑन कर लेते हैं। जैसे ही आप नीचे आइएगा स्क्रॉल करते हुए तो आपका कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा और यहाँ पर देख सकते हैं एक बार जो है डेट बढ़ाया गया तो 24 दिसंबर तक रखा गया था, लेकिन इसके बाद जो है फिर से तिथि जो है विस्तारित कर दी गई है। तो इसमें करप्शन डेट भी दे दिया गया है, यदि आपके फॉर्म में किसी भी तरह का गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, तो आप उसे सुधार भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 29 दिसंबर तक लास्ट डेट यहाँ पर निर्धारित किया गया है करप्शन डेट। जो आपके फॉर्म में किसी भी तरह का गलती या फिर त्रुटि हो चुका है तो आप उसे सुधार सकते हैं। 30 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी तक आप सुधार सकते हैं। अभी जो है करप्शन का टाइम आपको नहीं दिया गया है, लेकिन 30 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी के बीच में आप कभी भी फॉर्म को सुधार कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे आइए तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी पूर्व जो जानकारी थी वो सारा का सारा वैसे ही है। और यहाँ पर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आइएगा तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ऑफिशियल वेबसाइट पर भी क्या तिथि जो है बढ़ा दी गई है। तो जैसे ही आप एक दो बार जो है इसको रिफ्रेश कीजिएगा तो अभी जो है सर्वर डाउन चल रहा है और इससे पहले भी पिछले दो रोज़ से डाउन चल रहा है, जिसके कारण ये तिथि फिर से बढ़ाया गया है। 2 दिन पहले से ये साइट खुल नहीं रहा था, काम नहीं कर रहा था बढ़िया से, तो इस कारण से तिथि बढ़ाया गया है। और यहाँ पर जब नया फॉर्म तो दोस्तों यहां पर पेज रिफ्रेश होने के बाद जो है ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक ओपन हो चुका है और यहां पर भी देख सकते हैं आप एंड डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का यहां पर 29 दिसंबर 12 बजे रात तक जो है आप कर सकते हैं। और लास्ट पेमेंट जो है एप्लीकेशन फ़ी का 29 दिसंबर तक ही है। और करप्शन का डेट जो आपका मान लीजिए कि गलत हो जाता है उसे आप सुधार करते हैं तो यहां पर जो है 30 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी तक आप जो है इसे एडिट कर सकते हैं। तो ये केवल एडिटिंग के लिए है। तो जो स्टूडेंट जो है अप्लाई कर चुके हैं, कंप्लीट फॉर्म भर चुके हैं, अगर कोई भी गलती हो गया है तो वे 30 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी तक आप जो है सुधार कर सकते हैं। तो ये था पूरा जानकारी। तो निश्चित रूप से आप सभी जो है इस चैनल से बने रहें, जैसे ही कोई अपडेट आता है तो हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो जो भी फॉर्म गलती हो चुका है आप उसे 30 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी के बीच में आप सुधार कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।